और बीच बीच में ऐसे ये फौज के बैरक्स बने हुए हैं, चेक पोस्ट बने हुए हैं, इनको भी एक सोच समझ के एक ऐसी जगह बनाना पड़ता है ताकि ये एवलांश में दब न जाएं। और इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस, बट यहाँ पे जिंदगी, जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जिंदगी तो बहुत टफ है। मैंने जी है ये जिंदगी, तो मैं जानता हूँ कि बोल के इसको बयान नहीं किया जा सकता। बट लुक एट द व्यू ऑफ द वैली एंड लुक एट द स्नो कैप माउंटेन्स, और एक भी घास भी आपको यहां दिखाई नहीं देगी। आज की राइड है धारचूला, जहां हमने कल शाम को स्टेज किया था, से कुंजी, जो तकरीबन 100-125 किलोमीटर होगा। बट ये वो वाला एरिया है जहां पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड, इतना तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द राइड। पहाड़ों के ऊपर सनराइज हो चुका है। ये सामने जा रही है धौली गंगा, जो विष्णुप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिलती है और वहां से गंगा का सफर शुरू करती है। और ये सामने है एक प्यारा सा झरना, और ये व्यूज भरे पड़े हैं इस रास्ते में। हालांकि रास्ता कुछ ऐसा है और आगे खराबी होता जाएगा जैसा मेरे को बताया गया है। मैं आपको एक और अमेजिंग सा साइट दिखाता हूँ, हालांकि मेरी मंजिल तो अभी काफी दूर है। ये पीछे है एक झरना, मैं कैमरे के दूसरे तरफ से जाके दिखाता हूँ। ये खड़ा है अपना शेरू, और ये है एक मैजेस्टिक सा झरना जो बिल्कुल ऊपर से यहाँ रोड पे आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेनबो भी बन रहा है अभी। एंड हेयर इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और इस तरफ जा रही है वो वैली और नीचे है धौली गंगा। तो कभी कभी सचमुच में, क्योंकि मैं सोलो राइड करता हूं और इस इलाके में कोई भी नहीं है, ना पीछे ना आगे, सड़कें टूटी हुई हैं, तो कभी कभी दिल में आता है कि ये एडवेंचर है, पागलपन है, क्या है, अपनी अपनी परिभाषा है। बट फिर ये ऐसे ऐसे साइट्स मिल जाते हैं और फिर ये इसमें कुछ पागलपन लगता नहीं है। और ये भरे पड़े हैं, मैं हर चीज को तो कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट लेट मी शो यू वन मोर व्यू बिफोर वी प्रोसीड। देयर इट इज, ये पहाड़ के ऊपर से शुरू हो रही है एंड नीचे बिल्कुल वाइल्ड सी आके ये यहां है उसका फॉल। बीच में एक रेनबो आपको दिख ही रहा होगा, एंड हेयर इट फॉल। अगर आप नोटिस करें तो आपको दिखेगा कि ये अभी ट्री लाइन खत्म हो गई है। अब ये नंगे पहाड़ हैं, इनमें कोई पेड़ वेड़ नहीं है, घास है। और इसके बाद शुरू हो जाता है स्नो वाला एरिया। तो चलिए, हमें तो अभी आगे जाना है, आगे चलते हैं। तो इस तरफ कहीं पे जाम लगा हुआ है और लैंडस्लाइड हुआ है, क्लियर कर रहे हैं वो, आप जब क्लियर करेंगे तो जाएंगे। बट मैं आपको यहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ। तरह के पहाड़ हैं, बिल्कुल स्टीप, और ट्री लाइन तकरीबन खत्म हो चुका है, और नीचे ये आ रही है धौली गंगा। सो पहाड़ों में नदियां ऐसे ही शुरू होती हैं। शुरू तो ये खैर काफी पहले कालापानी लेक से हो चुकी है, बट अभी इसकी जर्नी पहाड़ों के बीच में ही चल रही है। इसके बाद जब निकलेगा तो आ जाएगा, और इनका यहाँ 24 घंटे काम चला रहता है। तो यहाँ एक फौजी पोस्ट है, उन्होंने मेरे को अच्छी चाय पिलाई, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रही धौली गंगा एट इट्स वाइल्डेस्ट, काफी 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 फोर्सफुल आ रही है, और ये बहुत ज्यादा स्लाइड प्रोन एरिया है। तो चलिए यहाँ से तो पहले कटते हैं। ये क्लियर हो रहा है ब्लॉक, और मेरे ख्याल से 5-7 मिनट अभी यहाँ और लगेंगे। इसके बाद आगे भी कहते हैं ब्लॉक्स तो हैं, तो लेट अस सी। जहाँ मैंने जाना है वहाँ पहुँचना तो कभी भी आसान नहीं था, तो पर देखा कहाँ तक पहुँचते हैं।
और वो जा रही है नीचे सड़क तक। ट्रिप का नाम एक्सट्रीम उत्तराखंड रखते वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह की सड़कें होंगी। उम्मीद तो थी बट ये सड़कें ऐसी ही हैं, बड़ी तगड़ी सड़कें हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक मौसम सूखा है तब तक इन सड़कों पर राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। ये देखने में सिर्फ भयानक सी लगती है बट अगर स्नोफॉल हो गया और या फिर अगर बारिश हो गई, स्लश हो गई, तो फिर थोड़ा ज़्यादा कॉशस रहना पड़ता है। आमतौर पर इधर आप आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि फिर इन सड़कों को बंद कर दिया जाता है। बट ये है, मज़ा आ रहा है इस राइड में अभी, और कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान। पीछे है पूरा आर्मी का कॉन्वॉय जो रुका हुआ है। मैं भी अभी यहीं फंसा हुआ हूं बट ये तो उम्मीद लेके ही चलता है, आदमी के फंसते तो रहेंगे बट लेट्स सी कब तक क्लियर होता है। ये चल रही है एक टिपिकल रोड क्लियरिंग एक्टिविटी। रोड क्लियरिंग क्या, ये तो पूरी रोड ही ख़त्म हो गई है। तो ये JCBs लगे हुए हैं, ये रोड बना रहे हैं। इसके बाद इस पर जब स्लश आता है तो फिर राइडिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सड़कों की हालत में कोई खास सुधार तो नहीं आ रहा है बट अभी तक मैनेजेबल तो है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट मैनेजेबल है। लगा तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये ग्लेशियर कैसे बनते हैं। वो पीछे पहाड़ी पे बर्फ दिखाई दे रही है और आपको पतली सी जो लकीरें दिखाई दे रही हैं जो वैली के बीच से आ रही हैं, इसी तरह से बनते हैं ग्लेशियर। फिर ये पिघल पिघल के नीचे आके फिर ये नदियों में तब्दील हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो सामने है ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स और उसे आप देख पा रहे होंगे कि उनके वैलीज में से जो पतली सफ़ेद सी लकीरें आ रही हैं वो बेसिकली बर्फ़ पिघल गई है। अब वो पहले वो एक नाला था, अब वो एक छोटा ग्लेशियर बन गया है। इसी तरह के छोटे बड़े ग्लेशियर होते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरी बर्फ पिघली हुई है और ये ग्लेशियर से तो छोटा सा है क्योंकि नीचे ही नदी है बट ये फिर कई किलोमीटर तक चलते हैं और बाद में ये जब पिघलते हैं तो फिर नदियाँ बनती है। तो कुछ ऐसा है हिमालय इस इलाके में, पूरी बर्फ़, अभी तो स्नोफॉल शुरू भी नहीं हुआ है और काफ़ी सारी बर्फ़ आ गई होगी। प्रॉब्लम यही है इस कैमरे में, फ्रंट कैमरे का रिजोल्यूशन ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ वो एरिया। तो ये है वो वैली और ऐसी वैलीज हैं और अभी स्नोफॉल शुरू भी नहीं हुआ है और चोटियाँ तो ढक गई, ज़मीन पर भी बर्फ़ आ गई। अब ये बर्फ़ जो है ये अगले 4-5 महीने तक इसके ऊपर और बर्फ पाइलअप होता जाएगा और फिर जब मार्च अप्रैल में टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो ये पिघलना शुरू होगा और फिर नदियों का पानी बढ़ेगा। इस तरह की सड़क है जिस पे हम जा रहे हैं, ये कोई हार्ड टॉप नहीं है, ये कच्ची सड़क ही है और ऑल्टीट्यूड का असर यहाँ होता ही रहता है।
और एक और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पेड़ पौधे इंसान जानवर कुछ नहीं है, वो 20-25 किलोमीटर पहले खत्म हो चुका है। यहाँ अभी इंसान के नाम पे हैं सिर्फ फौजी, क्योंकि इस तरफ आगे जाके चाइना बॉर्डर लगता है और चाइना की कारस्तानियां हमको पता है। तो ये जो पीछे लोग हैं ये थोड़े दिनों में कट ऑफ हो जाएंगे, उनका राशन पानी वगैरह वहां रख दिया जाएगा। अगर उन्होंने उन पोस्टों को वेकेट नहीं किया तो फिर अगले 4-5 महीने के लिए वो पीछे कट ऑफ हो जाएंगे। और बीच बीच में ऐसे ये फौज के बैरक्स बने हुए हैं, चेक पोस्ट बने हुए हैं, इनको भी एक सोच समझ के एक ऐसी जगह बनाना पड़ता है ताकि ये एवलांच में दब न जाए। और इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस, बट यहाँ पे जिंदगी, जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जिंदगी तो बहुत टफ है। मैंने जी है ये जिंदगी, तो मैं जानता हूँ कि बोल के इसको बयान नहीं किया जा सकता। बट लुक एट द व्यू ऑफ द वैली एंड लुक एट द स्नो कैप माउंटेन्स, और एक भी घास भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। और ये बना हुआ है एक हेलीपैड ताकि इमरजेंसी इवैक्यूएशन, अगर रास्ता वास्ता बंद हो तो इमरजेंसी इक्वेशन के लिए फिर हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जा सके। वो भी तभी हो पाता है जब वेदर क्लियर हो, अदरवाइज वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जगह का नाम है काला पानी, ये वो वाला काला पानी नहीं है। और यहाँ काली माता का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, तो काफी आस्था है इसकी। और इसके बाद की जर्नी आगे की तरफ है जो जैसा मैंने आपको बताया था। तो चलिए उनके दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैजेस्टिक लुकिंग प्लेस एक्चुअली। ये है काली माता की प्रतिमा और इसमें जो पानी आ रहा है वो ग्राउंड वाटर है, वो नीचे से ही आ रहा है। और यहाँ पे आस्था की कई कई के कई सारे निशान दिखाई देते रहते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। और सर अपने आप झुक जाता है। को एंड करने से पहले मैं आपको एक और खूबसूरत सी चीज दिखा दूं। ये जो सफेद लकीरें हैं ये बेसिकली झरने हैं जो जम गए हैं। अब ये नीचे नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये जमे हुए हैं, अब ये यहीं पे लटके रहेंगे। और कई महीनों के बाद जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन झरनों का फ्लो फिर से शुरू होगा, या फिर वो बड़े बड़े चंक्स में गिरेंगे। सो दिस इज वन साइट विच इज जनरली नॉट सीन बाई पीपल, लोग इसको देख नहीं पाते हैं। तो ये है एक व्यू। दर्शन तो हो गए बट हमारी राइड अभी थोड़ी बची हुई है, तकरीबन 1.5-2 घंटे की राइड बची हुई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी नजदीक पहुंच गए हैं अब हम, तो मैं अब तो लगता है कि पहुंच ही जाऊंगा, बट वो मैं आपको फिर अगले वीडियो में दिखाता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग जगह है, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।